श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं upinow.online। आज हम इस पोस्ट में प्रयागराज स्थित मुगल बादशाह अकबर के किले में जो विशाल वृक्ष और सैकड़ों साल पुराना अक्षय वृक्ष है उसके बारे में आपको बताएंगे। इस पोस्ट में दी गई जानकारी श्रीमद् भागवत पुराण, वाल्मीकि रामायण, शिव पुराण, संपो दिवहानग्यू आदि पुराणों और भारद्वाज स्मृत से ली गई है। हम इस वीडियो में उस पौराणिक अक्षय वृक्ष को दिखा रहे हैं जिसका दर्शन कुंभ से पूर्व केवल VVIP लोगों को ही सुलभ था। एक्सक्लूसिव रूप से तैयार किया गया वीडियो केवल हमारे पास है, आप इसका आनंद लीजिए और जानिए कि अक्षय वट के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व क्या क्या हैं। यह जो वृक्ष आपको दिखाया जा रहा है इसका नाम है अक्षय। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय ना हो, जिसे कभी नष्ट ना किया जा सके, इसलिए इस वृक्ष को अक्षय वट कहते हैं। वट का अर्थ बरगद, बड़ आदि भी होता है। इस वृक्ष को मनोरथ वृक्ष भी कहते हैं, अर्थात मोक्ष देने वाला या मनोकामना पूर्ण करने वाला। यह प्रयागराज स्थित अकबर के किले में स्थित है। 5269 वर्ष पुराना है यह वृक्ष। पुरातत्व विज्ञान के वैज्ञानिक शोध के अनुसार इस वृक्ष की रासायनिक उम्र 3250 ईसा पूर्व की बताई जाती है, अर्थात 3250 प्लस 2019 इज इक्वल टू 5269 वर्ष। यह वृक्ष 5269 वर्ष पुराना है। पूर्व में पर्याप्त सुरक्षा के बीच संगम के निकट किले में अक्षय वृक्ष की एक डाल के दर्शन कराए जाते थे, पूरा पेड़ कभी नहीं दिखाया जाता था। 2019 के कुंभ मेले में यह महान वृक्ष दूर से आम जनता को दिखाया गया था, परंतु हमने इस वीडियो को वृक्ष के अत्यंत करीब से आपके लिए फिल्माया है। अक्षय वट का जिक्र पुराणों में भी मिलता है, लेकिन यह कहना आसान नहीं है कि यह वही वृक्ष है या कोई दूसरा। सन 1030 में अलबुरुनी ने इसे प्रयाग का पेड़ बताते हुए लिखा कि इस अजीबोगरीब पेड़ की कुछ शाखाएं ऊपर की तरफ और कुछ नीचे की तरफ जा रही हैं, इनमें पत्तियां नहीं हैं। 11वीं शताब्दी में समकालीन इतिहासकार महमूद गर्दीजी ने लिखा कि एक बड़ा सा वट वृक्ष गंगा यमुना तट पर स्थित है जिस पर चढ़कर लोग आत्महत्याएं करते हैं। 13वीं शताब्दी में जामी उत तवारी के लेखक फैजलुल्लाह रसीउद्दीन अब्दुल खैर भी इस पेड़ पर चढ़कर आत्महत्याएं किए जाने का जिक्र करते हैं। अकबर के समकालीन इतिहासकार बदायूनी ने भी लिखा है कि तमाम काफिर लोग मोक्ष की आस में इस वृक्ष पर चढ़कर नदी में कूदकर खुदकुशी कर लेते हैं। संभवतया इसी कारण इस वृक्ष को 7वीं शताब्दी में वेनसांग की यात्रा के संस्मरण को आधार बनाकर इतिहासकार वाटर्स ने आदमखोर वृक्ष की संज्ञा दी थी। अकबर ने इस वृक्ष और इससे लगे मंदिर के आसपास एक किला बनाने की सोचा और इसी के चलते उसने मंदिरों को तोड़ दिया, लेकिन वृक्ष को रहने दिया। हिंदुओं की इस वृक्ष से आस्था को देखते हुए प्राचीन वृक्ष का तना पातालपुरी में एक स्थापित कर दिया गया। बाद में उस स्थान को लोगों के लिए खोला गया तो उसे पातालपुरी का नाम दिया गया। जिस स्थान पर अक्षय वट था वहां पर रानी महल बन गया। 2019 के कुंभ के पूर्व समान जन उसी पातालपुरी के अक्षय वट के दर्शन करते थे, परंतु यहां जो वृक्ष इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं वह वही मूल वृक्ष है जो रानी महल के पास स्थित है। वेनसांग 643 ईस्वी में प्रयाग आया था। उसने लिखा, नगर में एक देव मंदिर है जो अपनी सजावट और विलक्षण चमत्कारों के लिए विख्यात है। इसके विषय में प्रसिद्ध है कि जो कोई यहां एक पैसा चढ़ाता है वह मानो और तीर्थ स्थानों में सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं चढ़ाने जैसा है, और यदि यहां आत्मघात द्वारा कोई अपने प्राण विसर्जन कर दे तो वह सदैव के लिए स्वर्ग चला जाता है।
मंदिर के आंगन में एक विशाल वृक्ष है जिसकी शाखाएं और पत्तियां बड़े क्षेत्र तक फैली हुई हैं। इसकी सघन छाया में दाई और बाई ओर स्वर्ग की लालसा में इस वृक्ष से गिरकर अपने प्राण दे चुके लोगों की अस्थियों के ढेर लगे हैं। अक्षय वृक्ष के धार्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा है, यह भगवान राम के साथ भी जुड़ा हुआ है, आइए जानते हैं। द्वादश माधव के अनुसार बाल मुकुंद माधव इसी अक्षयवट में विराजमान हैं। यह वही स्थान है जहां माता सीता ने गंगा की प्रार्थना की थी और जैन धर्म के पद्माचार्य की उपासना पूरी हुई थी। पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान ब्रह्मा ने यहां पर एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था। इस वृक्ष में वह स्वयं पुरोहित भगवान विष्णु यजमान एवं भगवान शिव उस यज्ञ के देवता बने थे। तब अंत में तीनों देवताओं ने अपनी शक्ति पुंज के द्वारा पृथ्वी के पाप बोझ को हल्का करने के लिए यह वृक्ष उत्पन्न किया। यह एक बरगद का वृक्ष था जिसे आज अक्षयवट के नाम से जाना जाता है। इस वृक्ष के साथ भगवान राम की कथा भी जुड़ी हुई है। वनवास जाते समय जब वो प्रयागराज में गंगा जी को पार कर इस वृक्ष के पास पहुंचे तो भगवान राम ने वट वृक्ष से पूछा, क्या वह अपनी छाया में रात बिताने की अनुमति देंगे? इस पर उस वट वृक्ष ने पूछा, मेरी छाया में तो दिन रात पता नहीं कितने लोग आते एवं रात्रि विश्राम करते हैं, लेकिन कोई भी मुझसे यह अनुमति नहीं मांगता, क्या कारण है आप मुझसे अनुमति मांग रहे हैं? तब महर्षि भरद्वाज जो भगवान राम के साथ चल रहे थे ने बताया कि माता कैकेयी के क्रोध के कारण कोई भी राम की सहायता करने के लिए तैयार नहीं है। इस पर वटवृक्ष ने कहा, हे ऋषिवर, यदि किसी के दुख में सहायता करना पाप है, किसी के कष्ट में भाग लेकर उसके दुख को कम करना अपराध है, तो मैं यह पाप और अपराध करने के लिए तैयार हूं। आप निश्चित होकर यहां विश्राम कर सकते हैं और जब तक इच्छा हो रह सकते हैं। यह बात सुनकर भगवान राम बोले, हे वटवृक्ष, ऐसी सोच तो किसी मनुष्य या देवता में भी बड़ी कठिनाई से मिलती है। आप वृक्ष होकर यदि इतनी महान सोच रखते हैं तो आप आज से वटवृक्ष नहीं बल्कि अक्षयवट हो जाओ। जो भी तुम्हारी छाया में क्षण मात्र में भी समय बिताएगा उसे अक्षय पुण्य प्राप्त होगा। तब से यह वृक्ष पुराण एवं जग प्रसिद्ध अक्षयवट के नाम से प्रसिद्ध होकर आज भी संगम के पावन तट पर स्थित है। आपको इस पोस्ट में दी गई जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारियां अच्छी लगी हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट से हमें अवगत कराएं, हमें अपना लाइक दें, हमारे इस चैनल को बढ़ावा देने के लिए इसका शेयर करें। और अगर आप अभी तक इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो हमें सब्सक्राइब करिए, साथ ही घंटी को भी बजाइए ताकि हमारी नई पोस्टों की सूचना आप तक तुरंत पहुंच जाए। आशा है आप हमें अपना सहयोग देंगे। सादर।